रिलेशनशिप में खुश कैसे रहें। हेलो फ्रेंड्स, लव टिप्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अक्सर लोग ये चिंता में रहते हैं, लोग ये ख्यालात में रहते हैं कि रिलेशनशिप में खुश कैसे रहा जाए, ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है, लेकिन हमें अल्टीमेट मकसद तो यही होना चाहिए कि हमें रिलेशनशिप में खुश रहना है, अपने पार्टनर को खुश रखना है और खुद भी रहना है, ताकि एक अच्छा और बढ़िया रिश्ता आप बना पाए। तो सबसे पहली बात आपसे कही जाए तो वो है, जीएफ बनते ही आप चिपकू ज़्यादा मत होने लगे। हाँ, ऐसा होता है कि आप गर्लफ्रेंड बनते हैं या बॉयफ्रेंड, जो भी आप बनते हैं, जीएफ या बीएफ जो भी इसका मतलब है, तो जब भी आप रिश्ते में आते हैं तब तुरंत ज़्यादा चिपकू ना हो जाए। चिपकू का मतलब क्या है कि आप उनके पेरेंट्स से भी ज़्यादा उनकी चिंता करने लगे, उनको जाने ना दे कहीं पे। हाँ, पता है कि आपने कई दिनों, कई सालों, कई महीनों से वेट कर रहे थे, एक अच्छे साथी की तलाश थी, आपको मिल गया है, तो आप ज़्यादा उनके कामों के लिए उतावले हो रहे, जल्दबाजी कर रहे, जिसकी वजह से ये दिक्कत हो रही। लेकिन ऐसा मत करें, क्योंकि ऐसा करने से कुछ होने वाला है नहीं। ऐसा करने से क्या नहीं होने वाला, जो आप सोच रहे हैं कि पार्टनर से मैं ज़्यादा प्यार कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो, इससे पार्टनर को उबन महसूस होगी, उनको लगेगा कि मेरी फ्रीडम कोई ना कोई खा रहा है, मेरा जीवन जो पहले अच्छा था अब कहीं ना कहीं दिक्कतों में आ गया है, कुछ उलझन भरी स्थिति उनको ना एहसास कराए। तो ज़्यादा चिपकू मत बने अगर खुश रहना है तो। दूसरा है, ज़्यादा CID मत करें। आप कहेंगे हम तो CID करते ही नहीं हैं, हम तो कुछ पूछते ही नहीं हैं उनको। हर कोई पूछता ही है, हर कोई, अगर कोई किसी लड़के या लड़की के साथ जाता है तो हर किसी को शक होता है, क्यों गए थे, कैसे गए थे, इतनी रात को क्यों जाना है। आप उनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं, आपकी जो भी एक रिश्ते की मर्यादा है उसे समझिए। हर चीज़ पे पूछताछ करना, हर चीज़ पे CID करना उनको पसंद नहीं होगा। हो सकता है वो आपसे खुश ना रहे। अगर आपको खुश रहना है तो आपको ये सब चीज़ें बंद करनी होगी। अगर आप बंद कर देते तो मैं गारंटी देता हूँ बहुत कुछ आप अपने रिश्ते में पा सकते हैं, अपने रिश्ते को खुश रख सकते हैं, और ये फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप ये सब नहीं करेंगे तो चीज़ें अच्छी नहीं होगी। आप एक बार आराम से सोचिए, करके देखें। हमको क्या लगता है कि हम अगर पूछताछ नहीं करेंगे, अगर वो कहीं पे चले गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो क्या, कोई कहीं पे नहीं जाता। आपको चीज़ें समझनी होगी, उन पर भरोसा करना होगा। तो दूसरी चीज़ है। तीसरी जो टिप है वो है, एक दूसरे को जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करें। हाँ, ज़्यादा बुरे होंगे तो आपको पसंद ही नहीं आए होंगे, ना ही आप उनके साथ रिश्ता बनाना चाहेंगे। आपने रिश्ता बनाया है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो एक दूसरे को समझिए, सामने वाला कैसा है, आप कैसे हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा दोनों के लिए। एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो भूल जाइए कि आप कभी भी खुश रह सकेंगे। हाँ, छोटी मोटी चीज़ों पे खुश हो जाएंगे, कई बर्थडे होगी, कुछ बड़ा सेलिब्रेशन कर दिया, खुश हो जाएंगे, मूवी देखने चले जाएंगे, खुश हो जाएंगे, लेकिन हर हमेशा एक दूसरे को देखकर खुश होना है तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होगा, ये बड़ी बात होगी। ये आप करिए अगर खुश रहना है तो, ये बहुत ही बड़ी टिप है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 3 में से कौन से काम आप करते हैं ताकि आप रिश्ते में खुश रह पाए। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड, वीडियो को देख रहे सारे GABF राजा मजनू लैला जो भी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, नो बेटर लिव बेटर।